पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प है कि 100% चैरिटी, 99% नहीं। तो इस चैरिटी वाले काम को आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रकार से पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धा आचार्य जी लगे हुए हैं। आज हार्वर्ड का, कैम्ब्रिज का, ऑक्सफोर्ड का नाम आप सुनते हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, इन सब के पास इन यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। इन यूनिवर्सिटियों का जो टॉप ब्रेन है वो उनके पास है, लेकिन FMCG के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, उत्पादों के प्रचार प्रसार में पतंजलि योगपीठ ने, पतंजलि ने जो ग्रोथ दी है, जो 100% की ग्रोथ दी है, 100% से अधिक की ग्रोथ दी है, वो ये ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का कोई ब्रेन नहीं दे पाया। और इस ग्रोथ के पीछे यदि कोई कारण है तो वो कारण है कि श्रद्धे आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज ने गुरुकुल से पढ़ाई की है। ये जो आचार्य कुलम खुलेगा, इसमें ऐसे ही श्रद्धे आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे टॉप ब्रेन यहाँ पर तैयार होंगे। और ऐसा व्यक्तित्व पूज्य आचार्य जी, जिनका आज हम सबको सौभाग्य मिल रहा है जिनके दर्शन का, पूज्य स्वामी जी महाराज जो आदेश देते हैं, जब कोई सरकारें काम करती हैं तो वो 1,00,000 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट, उसके ड्राइंग को बनाने में वो 1 साल का समय लगा देती हैं। और 1,00,000 स्क्वायर फीट, 5,00,000 स्क्वायर फीट, 10,00,000 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री को कहते हैं तो 1 से 2 महीने के अंदर वो करके दिखा देते हैं। ऐसे असाधारण व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को हम नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। आज इस बाबा मेलनाथ की तपोभूमि आज से लगभग 1100 वर्ष पूर्व जिन्होंने यहां पर तप किया उनके नाम पर स्थापित होने जा रहा है। ऐसे पुनित अवसर पर इस ग्रामीण गांव के किसानों को, उनके बच्चों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आचार्य कुलम की जो संकल्पना है वह उसी के लिए है कि हमारे बच्चे भी दुनिया में जो बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों से वो पीछे नहीं रह जाए, वो उनसे आगे पहुँचे, इसके लिए यह आचार्य कुलम की संकल्पना है। इस संकल्पना को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर प्रतिष्ठित सभी नाथ सम जो पूज्य संत महात्मा हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए, क्योंकि आज योग की बात की जाती है, योग की परंपरा की बात की जाती है, तो हमको बड़ा गर्व और गौरव होता है कि जब हम गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम लेते हैं, वह योग परंपरा के महर्षि पतंजलि के बाद में सबसे बड़े प्रामाणिक पुरुष और सबसे बड़े योगी रहे। उस योग की परंपरा में, उस योग की परंपरा ने विशेष करके इस हरियाणा की धरती में बहुत क्षेत्रों में बहुत सारा काम किया है। बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े ऊर्जावान, बड़े दिव्य संत हुए हैं, और उस संत की परंपरा को, उस योग की परंपरा को बढ़ाने के लिए आज शिक्षा की आवश्यकता है। वह भारतीय संस्कृति परंपरा और मूल्य आश्रित होना जरूरी है। उस परंपरा को बढ़ाने के लिए इस नाथ संप्रदाय में एक नई पहल करने के लिए मैं हमारे परम आत्मीय, परम वंदनीय हमारे बाबा राजनाथ जी को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों का वंदन करते हुए, मंच के सम्मुख विद्यमान प्रातः काल से बैठे हुए सभी हमारी पूज्य मातृशक्ति सज्जनों को भी मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। इस बीहड़ जंगल में, गांव से दूर हजारों की संख्या में आप प्रातः काल से यहां पर बैठे हुए हैं। हम सबका यही स्वप्न है, इस देश को, इस देश की माटी को, इस देश की सुगंध को पूरी दुनिया में हम कैसे पहुँचा सकते हैं, इसके लिए श्रद्धेय स्वामी जी का एक स्वप्न है। उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम लोग सर्वविध प्रयत्नशील हैं। यहाँ पर भी इस कार्यक्रम के लिए हमारे हजारों हजारों कार्यकर्ता भाई बहन रात दिन एक करके लगे हुए थे। तो इस तरह की समर्पित जो टीम है, जो युवा शक्ति है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, वो लगे हुए हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि जिस संगठन के पास ऐसे समर्पित कार्य करता हूँ, जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, कोई चाह नहीं है, बस चाह है तो इस देश का गौरव कैसे बढ़े, तो वो संगठन, वह संस्था निश्चित रूप से बहुत भारत को, भारत के वैभव को आगे बढ़ाने में वो सामर्थ्यवान हो सकेगा, यह हमें पूरा विश्वास है।
आप सबके पुरुषार्थ से यह अभियान प्रारंभ हो रहा है और पतंजलि का हर निश यही प्रयास है। जब श्रद्धेय स्वामी जी ने योग प्रारंभ किया, बहुत सारे लोगों ने उस योग को कई तरह से मजाक बनाने का प्रयास किया कि बाबा जी कहते हैं कि योग से बहुत बीमारियां ठीक होती हैं। जब बीमारियां ठीक होने लगीं तो लोगों ने कहा कि ये तो बाबा के लोग हैं, क्योंकि किसी को हजम नहीं हुआ। जब बाद में बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े सम्मानित व्यक्तियों ने जब कहा कि मुझे भी लाभ हुआ, तो लोगों की आँखें खुली। चाहे योग की बात, फिर आंदोलन की बात है, जब श्रद्धेय स्वामी जी ने प्रारंभ किया तो लोगों ने कहा कि ये बाबा तो सिर्फ रहा है कि इस तरह से आंदोलनों से कहीं व्यवस्था का परिवर्तन होता है। हमारे कई सारे अपने जुड़े हुए लोगों ने कहा कि स्वामी जी यह आपका प्रयास है, यह आप अपने आप का, अपनी यश प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को दांव पर लगा करके लगे हुए हैं, उचित नहीं है। पर श्रद्धेय स्वामी जी ने एक अर्जुन की तरह से एक तक एक लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य को भी प्राप्त किया तो लोगों ने श्रद्धेय स्वामी जी के लोहा को माना। इसी तरह से अब शिक्षा में जो परिवर्तन की बात है, उसके लिए भी अभी हम जिस बड़े रूप में श्रद्धेय स्वामी जी लग रहे हैं, मैं विश्वास है हमें कि एक दिन पूरी दुनिया समझेगी कि श्रद्धेय स्वामी जी की सोच और उनकी जो गहराई है वो कितनी कितनी मजबूत और कितने दृढ़ संकल्प से यह प्रेरित था। इसी तरह से स्वदेशी की बात अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे, बड़े बड़े देशी कंपनियां, बहुत लोगों ने प्रयास किया, पर विदेशी कंपनियों का जाल इतना खतरनाक है कि उस जाल को तोड़ करके, उसको भेद करके प्रवेश करना, यह अभिमन्यु के चक्रव्यूह को भेदने से भी भयानक काम था। ये आज हमको महसूस होता है, परंतु संपूर्ण देशवासियों के प्यार, आप सबके सहयोग से, आप सबकी ऊर्जा से उस शक्ति को हमने पाया और अभी हमने वह लक्ष्य भेदन का काम एक सीमा तक पूरा कर दिया है। अभी बाकी जो काम करना है वह भी आप लोगों की शुभकामना से हम पूरा कर पाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। इस राष्ट्र को उठाने के लिए, इस देश को, इस सोए हुए देश की शक्ति को, ऊर्जा को, इस भारत के भाग्य का उदय करने के लिए हम सब लोग आप सबके साथ मिलकर के प्रयत्नशील हैं। यह सोने की चिड़िया थी और है, योग और आयुर्वेद को श्रद्धेय स्वामी जी ने पैदा नहीं किया, वो हमने नहीं किया, वो हमारे ऋषियों की विधा थी, पर उस विधा को हमने भूला, हम भूला बैठे थे। उस भूली हुई चीज़ को उन्होंने स्मरण कराया तो भारत का वैभव जागृत हो उठा। इसी तरह से आज क्योंकि एक नया काम होने जा रहा है, ये सामने जो रखा हुआ है इसका विमोचन उद्घाटन होना है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज भारतवर्ष के अंदर गायों की बड़ी दुर्दशा है। गायों को लेकर के बहुत बात होती है, मैं बात करता हूँ गाय या भैंस की भी, यदि हम बात करें हिंदुस्तान के अंदर आज 60% चारे का अभाव है। हमारी गायें और भैंसें 60% भूखी रहती हैं। जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनको भी पूरा चारा नहीं मिलता है, और जो चारा मिलता भी है, किसानों के लिए सबसे बड़ा कठिन काम क्या है कि दूध देने वाले पशु में भी 80% जो खर्चा है वो चारे में चला जाता है। यदि दूध देती है भैंस 10 किलो दूध देती है, किसान ले जा करके 10 किलो दूध बेच करके आता है, तो उसमें से 7-8 किलो दूध का जो पैसा है वो उसी भैंस को खिलाना पड़ता है, उसी गाय को खिलाना पड़ता है, तब जा करके दूध वो पैदा कर पाता है। तो उस गैप को कैसे हम कम कर सकते हैं, यानी कम पैसे पर पशु को पौष्टिक आहार खिला करके ज़्यादा दूध हम कैसे पैदा कर सकते हैं, उसके लिए पतंजलि ने काफ़ी रिसर्च किया है। दूसरा यह भी हमारे यहाँ भी हम बड़ा काम कर रहे हैं, जब हिंदुस्तान की गिर गाय ब्राज़ील में जाती है, वहाँ जा करके वह 40-50-60 किलो तक दूध देती है, और हमारे यहाँ वह गिर गाय 8-10 किलो दूध देती है, 5-6 किलो दूध देती है। इसी तरह से हमारी भारतीय नस्लों की गाय जो 2-4 किलो दूध देती है, उन गायों को कैसे नस्ल सुधार करके हम 20-30-40 किलो दूध वाली बना सकते हैं, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो जो साइलेज होता है वह हरा चारा, हरे चारे को बिल्कुल एयर टाइट सिस्टम से उसको पैक किया जाता है, उसके अंदर कोई किसी तरह की मिलावट नहीं होती है, और वह करीबन 2 साल तक उसमें कोई खराबी भी नहीं आती है। सैंपल देखना हो, सभी भाई लोग बाहर देख सकते हैं, कुछ गट्ठड़ बाहर रखे हैं, जो उसका जो असली साइज है उसी साइज में रखा हुआ है, आप देखेंगे, और वह इतना पौष्टिक है। और पतंजलि योगपीठ परिवार ने प्रयास किया है कि भाई यशपाल आर्य जी और उनकी पूरी टीम इस कार्य के लिए लगी हुई है, आज के हमारे परम आत्मीय भाई यशदेव शास्त्री जी उस कार्य में लगे हुए हैं, मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। और आज यह
पतंजलि जो साइलेज है, संरक्षित हरा चारा है, इसका भी यहाँ पर किसानों को समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी किसान भाई जो पशुओं को पालते हैं, हम लोगों का अभी हम लोगों ने रेट कैलकुलेशन किया है, लागत मूल्य पर लगभग 7 रुपया किलो पर हम किसानों के घर वह चारा पहुँचा पाएंगे। इस हमने यहाँ तक इसका रेट कम से कम अभी किया है। आप जानते हैं कि सूखा जो तूड़ा होता है, भूसा होता है, वो भी बहुत महंगा पड़ जाता है, पर हमने अभी इतना काम किया है। तो आप लोगों को इस कार्य के लिए भी मैं पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से आप सबके सहयोग के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अभी श्रद्धे आचार्य श्री का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला। बाबा राजनाथ जी भी 2 शब्द मंच से बोल देंगे। महाराज ये बहुत कम बोलते हैं, कुछ लोग तो इनको बोलते हैं बाबा जी तो मोनी बाबा है, बड़े गहरे बाबा जी हैं। मैंने कहा विद्वान भी हैं, तपस्वी हैं, योगी भी हैं, और जो साधु का धर्म है भिक्षाचर्या से लेकर के और एक योगी की चर्या, उसका पूरा पालन करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे बाबा राजनाथ जी के लिए। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बाबा मेलनाथ जी की झोली को ग्रहण करने का, उसे संभालने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने को धन्य समझता हूँ। आप सबने आचार्य कुलम का निर्माण करने के लिए सहयोग दिया है। आचार्य कुलम तो आप सब लोग बनाएंगे, स्वामी जी महाराज बनाएंगे। मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर एक योग विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाए। योग विश्वविद्यालय या आयुष विश्वविद्यालय, इन दोनों में से एक कोई सा बना दे। आज हम वो कामना करते हैं कि तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय का आप सबने नाम सुना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये यहाँ से आचार्य कुलम के माध्यम से ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे, उनका निर्माण होगा, जो कि कहेंगे आएंगे खत अरब से कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। ये सब आपने देख लिया। पूज्य स्वामी जी महाराज अभी अरब देशों में जाकर के आए हैं, सबके आपके सामने उदाहरण है। तो आप सबने यहाँ पर आकर बहुत समय दिया, सहयोग दिया। बाबा मेलनाथ जी का आशीर्वाद से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 700 बीघे नहीं, 700 बीघे को 700 एकड़ बना के दिखाऊंगा। आप सबका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद हमारे साथ है। इसी भावना आशा के साथ आप सबका यहाँ पर पधारने पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम। माँ महिम का आशीर्वाद होगा। फिर हमने तो आपको सारी बात बतानी थी, वो बता दी भाई। यहाँ करीब ये 2500 बच्चों की क्षमता का आचार्य कुलम होगा, फिर आगे जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा देंगे। 2500 भी कोई कम नहीं होता। और इसमें जैसे धनखड़ जी बता रहे थे, उनके बचपन में ही ऐसी आधारशिला डाल देंगे विचारों की, संस्कारों की, संवेदनाओं की, पुरुषार्थ की, पराक्रम की, एक बड़ी सोच उनके भीतर बचपन में ही जब पनप जाएगी तो वो तो इस क्षेत्र का ही नहीं, हरियाणा का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो ये कह रहे हैं कि बाबा जी हमको बेचना सिखा दो, खाली बेचना ही नहीं, इनको सारा देश नहीं सारी दुनिया चलाना सिखा देंगे, ऐसे बड़क बना देंगे। तो ऐसे बच्चे हों जो सारी दुनिया को चला सकें, सारी दुनिया को हिला सकें, पूरी दुनिया में आंदोलन पैदा कर सकें, अपने जीवन में इतना शौर्य, इतना पराक्रम, इतना स्वाभिमान, इतना ज्ञान, इतनी निष्ठा, और इतना उनके भीतर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ हो कि वो जिधर चले वो उधर जमाना चल पड़े, वो जिधर चले उधर राह बन जाए, वो पथ बन जाए, वो पाथेय बन जाए। तो ऐसे बच्चे यहाँ पर तैयार होंगे। आज हम ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, आगे आप सब आप देखते रहोगे, आस पड़ोस के लोग हो। मैं इतना ही कहूँगा कि ये लेघा जो है वो विद्या का तीर्थ बन जाएगा, इतना बड़ा काम यहाँ पर हो जाएगा, विद्या का तीर्थ बन जाएगा। और जो गाय की यहाँ पर सेवा हो रही है, इसको भी 4 चांद यहाँ पर लगाएंगे और विद्या के तीर्थ के साथ इस नाम का गुमठ बोलते हैं, गुमठ माने गोमठ से गुमठ हो गया, और वो नाम उसको कोई भी अलग अलग परिभाषा देते हो। गाय की सेवा, रोगी की सेवा, विद्या की सेवा, यही तो ऋषि मुनि करते थे। खाली जो है वो
एकांत में झोपड़ी में बैठ करके खाली भगवान का नाम ही नहीं जपते थे। भगवान का नाम स्मरण तो साधु तो जीता जागता भगवान का ही स्वरूप हो जाता है, उसके भीतर इतनी दिव्य जाती है, वो ब्रह्म रूप हो जाता है उसके भीतर, तो वो चलता फिरता स्वयं तीर्थ हो जाता है। तो उसके द्वारा अनेक परोपकार के कार्य होते रहे हैं, और अब भी इस घुमठ में इस पूज्य बाबा मेलनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके अनुग्रह से बहुत बड़ा काम होगा। हम कोई क्योंकि लंबी चौड़ी घोषणा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आचार्य कुलम बनेगा, इसको आगे विस्तार देंगे, फिर आगे जो जो होता रहेगा। यहाँ भूमि की कोई कमी नहीं है, 700 बीघा तो जमीन मठ की है, बाकी भाई अड़ोसी पड़ोसियों भी मांगेंगे तो लोग और दे देंगे, जमीन की कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ बड़े दानशील हैं हरियाणा के लोग। और आज मैं तो आश्चर्य कर रहा था कि जो है हमारे भाई धनखड़ साहब ने जो है नाम में भी धनखड़ है और धन की वर्षा कर दी आती, कि वह दोनों गांव वाली 51-51 लाख रुपए का कोई भी भाई सेवा का प्रोजेक्ट बना के ले आना, और इन्होंने 1 करोड़ रुपए माने आते ही घोषणा कर दी। तो इसके लिए जोरदार तालियां हमारे भाई धनखड़ जी के लिए भी, कि भाई लेखा के 2 गाँव हैं और 2 गाँव का वो जो भी सरपंच दोनों आके मिल लिए, एक हमारी बेटी प्रधान है, एक हमारे भाई, और दोनों युवा हैं। जैसे आपने बताया था 35 साल की उम्र, इनके तो अभी 30 की भी नहीं हुई है, तो ऐसे युवा सरपंच हैं, गांव में भी बहुत श्रद्धा है। तो अभी बहुत बड़ा काम होना है, अभी एक काम की शुरुआत हुई है, आगे और बड़े बड़े काम, गौशाला का भी काम होगा, यहाँ विद्यालय का भी काम होगा, जड़ी बूटियों की खेती के लिए भी आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे, ये साइलेज के लिए भी ट्रेनिंग दे देंगे, और बाद में जितने, ये तो शुरुआत भर है, अब अगली बार जब आएंगे तो कई काम हो जाएंगे। तो भाई कहना कम चाहिए और करना ज़्यादा चाहिए। तो अगली बार जब आएंगे उद्घाटन के लिए इसके, तब बहुत से सेवा के कार्य यहाँ पर शुरू हो चुके होंगे। मैं महामहिम से कहूँगा कि एक बार सबको अपने आशीषों से अनुग्रहित करें। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज बाबा मेलनाथ आचार्य कुलम के स्थापना दिवस के अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में संत महात्मा यहाँ पर उपस्थित हैं, और इस क्षेत्र के आसपास के गांव से आप सब लोग भी आशीर्वाद देने के लिए इस अवसर पर यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। ऐसे उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज जब मैं इस कार्यक्रम के लिए भिवानी की तरफ से आ रहा था तो पूरे रास्ते मुझे जन समुदाय ही दिख रहा था, और यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि ये तो कुंभ जैसा दृश्य यहाँ पर उपस्थित हुआ है। और ये देखकर मुझे एक गीत की पंक्ति याद आई, वो गीत की पंक्ति इस तरह से है कि एक बार करवट तो बदलें, एक बार करवट तो बदलें, सारा जग चीत्कार करेगा। ये देश के लिए कहा गया है कि अगर हम एक बार करवट तो बदल लें, अगर ऐसा हम करते हैं तो पूरा संसार जो है चीत्कार करना शुरू कर देगा। ये 21वीं शताब्दी जो आई है विश्व में, ये भारतवर्ष करवट लेने का समय है, और वो जो भारतवर्ष करवट ले रहा है उसी का एक प्रतीक चिन्ह आज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये बाबा मेलनाथ आचार्य कुलम, इसकी स्थापना, इसका उद्घाटन, इसका भूमि पूजन, ये इस बात का प्रतीक है कि 21वीं शताब्दी के अंदर भारतवर्ष का चित्र पूरे विश्व के अंदर किस तरह का बनने वाला है। अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले यही काम किया था कि देश की शिक्षा को बदला उन्होंने, बच्चों को किस तरह का पढ़ाया जाए, किस तरह के संस्कार दिए जाए, इसको उन्होंने बदला। और ये बदल करके लॉर्ड मैकाले नाम के व्यक्ति ने
ये बता दिया था कि इस देश के अंदर हम ऐसे लोग तैयार करेंगे जो देखने में तो हिंदुस्तानी लगेंगे, लेकिन उनका सोच, उनका विचार, उनका पहनावा, उनकी संस्कृति सब इंग्लिस्तानी होगी, और वो इसमें सफल हो गया। अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमने 70वीं वर्षगांठ मना ली है स्वतंत्रता की, लेकिन वास्तव में जो परिवर्तन देश में स्वतंत्रता के बाद आना चाहिए था वो परिवर्तन अब दिख रहा है। इस अवसर पर ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बाबा रामदेव के मुंह से मैं सुन रहा था कि जो आचार्य कुलम की यहाँ पर स्थापना हो रही है उसमें अभी 2500 बच्चों की व्यवस्था है। आप जरा विचार करिए कि 2500 बच्चे जब अपने भारतीय संस्कृति के संस्कारों को लेकर के समाज के अंदर जब विचरण करेंगे तब क्या होगा। ये तो 2500 बच्चों की हम बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में जब गुरुकुल चलेंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे अगर 100 युवक मिल जाएं, जिस संकल्प को लेकर के स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं चलाऊं, ऐसे अगर 100 युवक मिल जाएं तो मैं भारत का नक्शा बदल दूं। स्वामी विवेकानंद ने उस समय 100 की बात कही थी, यहाँ तो 2500 की बात हो रही है और इसी गुरुकुलम की बात हो रही है, तो आप विचार करिए कैसा होगा। और इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो अवतीर्ण हुए अपने देश के अंदर 1836 में, तो उन्होंने युग पुरुष का काम किया। देश की स्वतंत्रता का प्रारंभ 1836 से शुरू हुआ, 1857 में आकर के प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा, स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में गए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस युग पुरुष थे, स्वामी विवेकानंद भी युग पुरुष थे, जिसके लिए रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि भारत को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को जानो, अगर आप स्वामी विवेकानंद को नहीं जानते तो भारत को नहीं जान सकते। स्वामी विवेकानंद एक युग पुरुष थे, स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर, इनके पूरे परिवार ने अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में जाकर के इतने अत्याचार सहे, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम लिखा, वो एक युग पुरुष थे। महात्मा गांधी ये युग पुरुष थे जिन्होंने देश को दिशा दी, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 21वीं शताब्दी में योग ऋषि बाबा रामदेव युग पुरुष हैं। जो 21वीं शताब्दी में भारतवर्ष करना चाहता है उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा का है, और इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह के मनोमालिन्य को छोड़िए, किसी भी तरह के विरोध को छोड़िए, वाद विवाद को छोड़िए, और भारतवर्ष जिस धारा में बह रहा है, भारतवर्ष जो करवट ले रहा है, भारतवर्ष जिस दिशा में जा रहा है, उसमें अपना योगदान दीजिए। आज इस गुरुकुल की स्थापना, मैंने तो कल मुख्यमंत्री जी से बात की थी कि आप वहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप जा रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है, हम सबको बाबा का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन सरकारी आशीर्वाद की भी जरूरत होती है, और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से सलाह करके कि मैं पूरा आशीर्वाद दे दूं सरकार की तरफ से इस काम के लिए, उन्होंने कहा बिल्कुल सहर्ष पूरा आशीर्वाद दीजिए। ये आचार्य कुलम, जैसा हमारा दोनों मंत्री बता रहे थे कि हरियाणा इस समय सर पर दौड़ रहा है, हर क्षेत्र में सर पर दौड़ रहा है, सबसे आगे जा रहा है, संस्कारों के दृष्टि से भी ये आचार्य कुलम, बाबा रामदेव का आशीर्वाद हरियाणा को पूरे देश के अंदर एक टॉप के राज्य के रूप में जरूर उभारेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य कुलम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और जो संक्षिप्त हरा चारा यहाँ का जिसका मैंने उद्घाटन किया है, वास्तव में ये भी गाय के लिए जो हमारी माता है उसके लिए बहुत उपयोगी शब्द होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।